प्रेसिडेंट असेंबली में जो है वो खवातीन को भी बात करने का मौका दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जनाबे चेयरमैन। हम तकरीबन 1.5 घंटे से इंतजार में है कि हम अपनी बात सामने रखें, लेकिन मर्द जो हजरात है वो हमें बात करने नहीं देते हैं। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद में बलोच कौम परस्त रहनुमा और एक कौम परस्त पार्टी के सरबरा और उनके कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करती हूँ। इसमें कोई दोराय नहीं कि ऐसे मनफी ओछे हथकंडों से सियासी कारकुनों की सियासी जमहूरी और वतनी जदोजहद वो दबाई नहीं जा सकती, बल्कि ये रियासती बोखलाहट का एक सबूत है। जनाब स्पीकर, इस बात में कोई दोराय नहीं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है, चाहे साहिल के हवाले से हो, चाहे वसाइल के हवाले से हो, या चाहे बेश बहा जो मादनियात के जखायर है उसके हवाले से हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 77 सालों से इन वसाइल पर हक और इन वसाइल की तकसीम के हवाले से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की अवाम के साथ एक तारीखी नाइंसाफी की गई है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल और दलील सुई गैस है। जनाब स्पीकर, 1952 में सुई डेरा बुकटी सुई के मकाम से गैस दरियाफ्त होती है और उसकी तरसील 1954 को मुल्क भर में होती है, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं होती। इसी के साथ साथ 1952 से लेकर 1969 तक सुई वाज द ओनली फील्ड सप्लाइंग गैस टू द पाकिस्तान, और फिर 80s में बलूचिस्तान के एक मखसूस इलाके यानी क्वेटा को गैस की जो फरामी है वो की गई। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, बलूचिस्तान के अवाम ने या बलूचिस्तान ने 7 खरब से ज्यादा जो है वो सब्सिडीज अदा की है सुई गैस के हवाले से अब तक 1955 से लेकर 2014 तक। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम तर इकदामात के बावजूद आज भी बलूचिस्तान के अवाम, आज भी डेरा बुकटी की खवातीन मीलों दूर से लकड़ियां सरों पर लाद कर वो लकड़ियां जलाने पर मजबूर है, और वही सुई के वका सुई से जो गैस निकल रही है वो लोगों के घरों के सामने से गुजार कर इस्लामाबाद को फराम की जा रही है। हमने हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक कायम रखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद में बैठे इस्तेहसाली कुवतों ने हमेशा बलूचिस्तान को मसखशुदा लाशें दी, आंसू दिए, महरूमी दी, और इस बात में कोई दोराय नहीं कि इस्लामाबाद की तरक्की का रास्ता ही बलूचिस्तान से निकलता है। आप देखें बलूचिस्तान को 77 सालों से एक तजुर्बागाह की तरह जो है वो ट्रीट किया गया। आप चाहे में जाए देखे एटमी धमाका किया गया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए किया गया, लेकिन आज भी चाहे की सरजमीन जो है वो जरखेज नहीं हो सकी। आज भी वहां पर जो है वो कैंसर ज़दा बीमारियों से जो है वो लोग उसमें मुब्तिला है। गवादर की आप मिसाल ले, गवादर इंटरनेशनली तवज्जो का मरकज बन चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब चेयरमैन, आज भी गवादर के अवाम जो है वो पीने के पानी से महरूम है। सैंडक की मिसाल ले आप, रेकॉर्डिक की मिसाल ले आप, हमने हमेशा जो है ना ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश की, लेकिन हमेशा बदले में हमें इस्तेहसाल मिला। जनाब स्पीकर, एक रियासत दो दस्तूर का जो फार्मूला है, मैं समझती हूँ उससे बलूचिस्तान में कभी तरक्की नहीं आएगी। इससे वो जो गैप है नौजवानों के बीच और रियासत के बीच, अवाम के बीच और रियासत के बीच, ये गैप मजीद बढ़ता जाएगा। आज जिन महरूमियों से हम गुजर रहे हैं, फिर भी सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के नौजवान मायूस क्यों है, फिर भी ये सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो रियासत से बेगानगी का शिकार क्यों है। ये वो वजूहत है, ये वो इस्तेहसाली निजाम है, ये वो जुल्म है जिसकी वजह से जो है वो जनाबे चेयरमैन, बलूचिस्तान की अवाम रियासत से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर है। मेरी गुजारिश है हुकूमती बेंचेस पर बैठे हमारे अराकीन से कि खुदारा इस इस्तेहसाल ज़दा कुवतों का जो है वो साथ ना दे, बलूचिस्तान की अवाम के लिए कुछ करे, बलूचिस्तान की अवाम के लिए इकदाम करे।
के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है, अगर आप उसमें शरीक होंगे तो मैं समझती हूँ कि तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जनाब स्पीकर, आखिर में यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि क्वेटा में स्लेक सीजन आ रहा है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो -10-15 से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है, तो मेरी गुजारिश है कि इस बाबत में जो है असेंबली एक मुश्तरका करारदाद पास करके उसको वफाकी हुकूमत और ओग्रा को तहकीकात के लिए भेजे और बलूचिस्तान असेंबली खुद एक तहकीकाती कमीशन बनाए इस हवाले से, ताकि सर्दियों के मौसम में एटलीस्ट क्वेटा के आवाम को गैस की फरामी हो। बहुत शुक्रिया।